हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एन फेस क्रीम की। ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। ये क्रीम को बहुत जन बेझिझक यूज़ करते हैं बिना कोई जानकारी के। गाइज, आज के वीडियो में ये क्रीम को कब और कैसे यूज़ करना चाहिए विदाउट साइड इफेक्ट के, और किस टाइप के स्किन इश्यू होने से ये क्रीम का यूज़ करना चाहिए, ये सब की जानकारी आज के वीडियो में होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के आपके पास पहुंची रहे। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ये क्रीम की प्राइस एंड इसके बेनिफिट की। तो ये 15 ग्राम का प्रोडक्ट है। अप्रॉक्स 140 रुपीज़ में आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में इजीली मिल जाएगा, आप भी परचेस कर सकते हैं। बात करें इसके बेनिफिट की, तो अगर आपके चेहरे पे मिलाजमा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस है, डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, काले दाग धब्बे है, झाइयाँ होने से ये क्रीम का यूज़ करना है। इसका यूज़ आपको गोरापन पाने के लिए यूज़ नहीं करना है। कई लोग ये क्रीम को या फिर इस टाइप के किसी भी और भी मेडिकेटेड क्रीम को सिर्फ गोरापन पाने के लिए यूज़ करते हैं एंड कंटिन्यू यूज़ करते हैं, बाद में जाके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर आप इस टाइप की क्रीम में यूज़ करने की सोच रहे तो सबसे पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें डाला हुआ है हाइड्रोक्विनोन, मोमेटासोन, टेटिनोन। हाइड्रोक्विनोन आपके चेहरे के कॉम्प्लेक्शन को निखारता है, दाग धब्बे को मिटाता है, स्किन के ऊपरी लेयर को हटा देता है जिसके कारण स्किन क्लियर और ग्लोइंग दिखती है। टेटिनोन एक्ने पिंपल को खत्म करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है। मोमेटासोन एक कार्डियोस्टेरॉइड है। ये क्रीम के बेनिफिट के साथ साथ साइड इफेक्ट भी है। अगर आप ये क्रीम को कंटिन्यू यूज़ करते हैं बिना कुछ जानकारी के तो आपकी स्किन स्किन को पतला बना देती है, सेंसिटिव बना देती है, फेशियल हेयर आने के भी चांस रहते हैं। इसे आपको मैक्सिमम 8 वीक्स तक यूज करना होता है, उसके बाद ही धीरे धीरे करके छोड़ना होता है, एक साथ में नहीं छोड़ना होता है। पहले हफ्ते में आपको एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना होता है, दूसरे हफ्ते में आपको 2 दिन छोड़ के एक दिन लगाना होता है, तीसरे हफ्ते में आपको 3 दिन छोड़ के एक दिन लगाना होता है। इस टाइप से यूज़ करने से आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट होने के चांस कम रहते हैं। साथ ही एलोवेरा का यूज ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपको यूज़ करना है। इस टाइप की क्रीम डॉक्टर्स भी चेहरे पे दाग धब्बे होने से प्रिस्क्राइब करते हैं, ना कि गोरापन पाने के लिए। एन फेस क्रीम को आपको नाइट में यूज़ करना होता है, दिन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। नाइट में पहले अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद पी अमाउंट साइज लेके ये क्रीम को आपको जहाँ जहाँ आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं वहीं ओनली इफेक्टेड एरिया में ही यूज़ करना है। दिन में आप अपना कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हैं एंड सनस्क्रीन का अप्लाई ज़रूर करना है। मिनिमम 40-50 SPF सनस्क्रीन आपके चेहरे को सन के हार्मफुल यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगी। गाइज, ये क्रीम को यूज़ टेम्परेरी यूज़ करने के लिए बेस्ट है। अगर आप ये क्रीम को यूज़ करने की सोच रहे हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो गाइज, यही थी मेरी आज की रिव्यू। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी रिव्यू अच्छी लगी हो। अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।